काफी तो ऊपर 3 साल लगा आपको यहाँ। हाँ, यहाँ आने में हम 3 साल हमको लगा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के लगभग 7:30 हो गया है और इस समय का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का है। और दोस्तों सूर्योदय हो चुका है, देख सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं चलता हूँ, माल थोड़ा सा सरिया लेते हैं, जो जो काम है वो सब तो देख सकते हैं। इसमें ट्राउजर उजर सब बहुत सारे ख़त्म हो गया है, तो इस बोरा में ट्राउजर है, तो जो जो कमी है वो सबको बांध लेते हैं ऐसे, थोड़ा बहुत है, नहीं तो बहुत सारे ख़त्म हो गया है। तो चलते हैं दोस्तों, और इधर गमछा उमछा भी सरियाना है तो सरिया लेते हैं, और उसके बाद में फिर मिलते हैं सारे सरियाने के बाद। दोस्तों सारे सरिया ले सकते हैं, इधर गमछा भी हो गया और ये झोला वोला सब तैयार हो गया, इधर भी जो जो कमी था वो सब रख लिए हैं। और दोस्तों अभी टाइम हो गया है 8, तो अभी चलते हैं दोस्तों, फिर स्नान करते हैं। आज लाइट भी है क्योंकि कल लाइट कटा हुआ, कल स्नान नहीं किए, लेकिन आज चलते फिलहाल स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करके स्नान करके फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी मैं ब्रश व्रश करके नहा वहा के पूरी तरह से फ्रेश हो चुका हूँ और तेल कंघी सारा कर लिया। और दोस्तों ये ट्राउज़र पहन लेते हैं, हाई नेट, क्योंकि दोस्तों ठंड लग रहा है, अभी धूप है तो ठीक है, लेकिन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने पर ठंड लगता है, तो हाई नेट पहन लेते हैं। और उसके बाद में ये वाला शर्ट पहनेंगे, तो चलिए इसको पहन लेते हैं पहले। हाई नेट और शर्ट भी पहन लिया, देख सकते हैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ। और खाना लेकर आ रहे हैं सरवन की मम्मी, तब तक मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो खाना भी तैयार हो ही गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 10 मिनट, थोड़ा सा भी तो एनर्जी मिलेगा काम करने के लिए। चलिए फिलहाल पढ़ते हैं। भाई अभी घर से निकल चुका हूँ और दोस्तों 10:30 हो गया है, 10:15 बजे से निकले हैं। और दोस्तों घर से निकलते ही 100 रुपया का बोनी हो गया है ट्राउजर से, ट्राउजर बिक्री हुआ है 100 रुपया का। तो दोस्तों चलते हैं फिलहाल घूमते हैं, और अभी 10:30 हो रहा है, तो फिर मिलते हैं एक दो गाँव घूम करके। दोस्तों अभी लगभग 11:30 हो गया दोस्तों, और कितना 3 गाँव में घूमे हैं, छोटा बड़ा सब। और दोस्तों 450 का सेलिंग हुआ है, 500 का, तो टोटल सेलिंग 600 हो गया। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घूमते हैं अगले गांव की तरफ, और देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का व्यू है, तो चलिए फिलहाल घूमते हैं अगले गांव में। तो अभी मैं आया हूँ, वहाँ से चलने के बाद थोड़ा सा नाश्ता किया हूँ, अभी आ गया हूँ बसर पट्टी चौक पर, और हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ता है, तो वहीं पर ये भाई है हमारे, पड़ोसी हैं, तो भैया लगेंगे राकेश भैया, तो ये दुकान के हैं ये भाई, बहुत कठोर परिश्रम किए हैं ऐसे यहाँ तक आने, भाई फेरी करते करते भी देख सकते हैं दुकान कर लिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। और साथ साथ इनका हौसला को हम बहुत क्या बोलते हैं, हौसला को जवाब नहीं है, और आगे बढ़ाइए अपना उत्साह, हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए, अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पर हमेशा लगे रहिए, सफलता निश्चित है, तय है कि मिलने वाली मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी काम करते हैं तो लगातार करते रहिए, जरूर सफलता निश्चित है, मिलना ही है। हम लोग भी जीरो से आज देखिए नए दुकान कर लिए हैं बसल पट्टी के ऊपर, 3 साल लगा आपको यहाँ? हाँ, यहाँ आने में हम 3 साल हमको लगा है, 3 साल फ्री किए हैं, अभी भी 5-6 घंटा फ्री करते ही हैं, लगभग 7 बजे से 12-1 बजे तक फ्री करते हैं, 1 बजे के बाद दुकान पर बैठते हैं, 1 बजे के बाद जैसे 1 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग फ्री करते हैं। हाँ, और बाद जैसे आके दुकान पर जो है बैठते हैं, तो उनको यहाँ तक आने में लगभग 3 साल लगा है। तो दोस्तों यही होता है, कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसमें 3 से 5 साल देना ही पड़ता है, और साथ ही साथ लगातार पूरा, मतलब कोई चीज़ का बहाना नहीं, कुछ नहीं, नहीं। जब गर्मी बरसात सभी में अपना मेहनत जारी रखिए, ठंडा के मौसम है, मौसम ठंडा का काम है, ठंडा पड़ने का अपना जो काम है अपना काम करते रहिए, बरसात का काम है बारिश होना, अपना जो रूटीन है रूटीन में काम कीजिए, तो दोस्तों सफलता तो निश्चित है, तय है, आपको मंजिल मिल ही जाएगा। जैसे कि भैया 3 साल लगातार बारिश रहता था, हमसे एबसेंट हो जाता था, लेकिन भैया से एबसेंट हो जाता था, बारिश हो धूप हो ठंडी हो फिर भी 4 घंटा के लिए भी जरूर निकल जाते थे, लेकिन जी हमको से आगे रहते थे, लेकिन ये भाई देखें, और इसका कारण यह हुआ,
और फल ये मिला कि ये भाई जब लगे रहे तो यहाँ तक पहुँच कर दे सकते हैं। दोस्तों अभी लगभग 4:45 हो गया है और मिला भाई निकला और मात्र 10-15 मिनट समय और बचा है। दोस्तों उस दुकान में से चलने के बाद लगभग छोटा छोटा दो गांव घूमे हैं और दोस्तों अभी पूरी तरह से बेड डूबने वाला है, देख सकते हैं इधर जो है ना सूर्य पूरी तरह से जड़ में जा चुका है, तो अब बेड डूबने वाला 10 से 15 मिनट में बेड डूब जाएगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं दोस्तों घर की तरफ और कितना 500 का सेलिंग हुआ है वहाँ से चलने के बाद, तो चलिए ठीक ठाक सेलिंग हुआ है और उस समय जो है ना लगभग 4:45 हो रहा था उस दुकान में था, तो और अभी 4:45 हो रहा है, 1 घंटा के अंदर में 500 का सेलिंग हुआ है। और दोस्तों फिलहाल चलते फिलहाल घर की तरफ और टोटल कितना का सेलिंग हुआ है तो घर पर चलने के बाद बताएंगे गिनती करके। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों अभी फाइनली पहुँच गया घर और अंधेरा हो गया अभी पूरी तरह से, इधर देख सकते हैं और कृष्णा सरवण अभी पड़ रहा है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो का इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में कल सुबह, आज की इस ब्लॉग को ही पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, गुड लक।